आज सुबह सुबह ठीक ठाक मुझे फोन करके बताता कि भैया मेरा और ठेसुदी का पार्सल आया, तो जाके उसे ले आइए और पेमेंट करे आइए। पता नहीं उन्होंने पीठ पीछे क्या ऑर्डर किया, खैर वो तो घर जाकर पता चलेगा। रास्ते मुझे बिना पंखों की परी मतलब मेरी भतीजी मिलती है जो स्कूल से आ रही थी। घर पहुंचकर पार्सलों का वस्त्र हराड़ कर मैं देखता हूँ ठीक ठाक बंदी ने नेक बैंड मंगाया और ठेसुदी ने सफेद जूतों को साफ करने का फोम, अभी नए जूते है ना उसके। फिर मैं अपनी हरी चप्पलों को पहनकर हरेश भैया के पास मिल जाता हूँ जो अपने भैंसों के बाड़े में आड़े बैठे हैं। काफी खुशी का दिन आज इनके लिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिर हम कोरोना बम सॉरी अंडी मतलब कैस्टर को अपनी छत पर फेंककर तस्करी करते हैं और तभी मेरी बहन राखी भी आ जाती है, मगर हरेश भैया की एक गलती घातक युद्ध का कारण बन जाती है। फिर मैं थोड़ा निद्रा अवस्था में चला जाता हूँ कि तभी ठेस बुद्धि और ठीक ठाक बंदे आते हैं। ऐसे ही किसी काम से जा रहे थे, मगर काम होने के बाद मैं स्वास्थ्य की थोड़ी फिक्र रखते हुए इन्हें कुछ पोषण तत्व खिलाने ले आता हूँ। पोषण तत्वों से मस्त भरभरा कर वहाँ से चली रहे होते हैं कि ठेस बुद्धि ने अपनी शर्म हाया सब बेच खाई क्योंकि इसने पेटीज खाई। फिर हम तन तना कर अपने घर को निकल लेते हैं, ये भी अपने घर को सटक लेते हैं और मैं घर में सबके लिए रबड़ी लेकर आता हूँ।